यहाँ के मंडल अध्यक्ष देवी सिंह जी, जिला मंत्री पुरुषोत्तम जी, मोर्चे के अध्यक्ष देवीलाल जी कुमावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष गिरधर सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कान सिंह जी, सारे शिव के सरपंच साहब, पार्टी के सारे नेतागण और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है और आप सबके कमल की तरह से खिलते हुए चेहरों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज जिस जोश और जज्बे के साथ में, जिस उपचार के साथ में आप शिव की बाजार से मार्केट से संदेश दिया है कि कांग्रेस की करप्ट सरकार को, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को हम जयपुर की गलती पर काबिज नहीं होने देंगे, ये आपके जोश ने आज शिव की बाजार में पूरे शिव विधानसभा क्षेत्र में संदेश भेजा है। मेरा आपसे गुजारिश है, आप ये तय कर लो क्या देश की गलती पर आपको 56 इंच के सीने का शेर नरेंद्र मोदी चाहिए या पप्पू चाहिए, कौन चाहिए? आप ये बताइए कि जयपुर की गलती पर आपको राजस्थान के जंजन की लाडली वसुंधरा राजे चाहिए या आपको जयपुर कभी भी जयपुर की विधानसभा में एक दिन भी नहीं आने वाला अशोक गहलोत चाहिए? आपको इनका दूसरा प्रत्याशी है सचिन पायलट, आप यहाँ सारे नौजवान खड़े हैं, उसका राजस्थान में कौन सा गांव है? सचिन पायलट कहाँ का रहने वाला? जो यहाँ का रहने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश सहारनपुर का आदमी है, उसके दिल में कोई तकलीफ होगी शिव के आदमी के लिए राजस्थान के आदमी की? कांग्रेस ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी देना चाहती है? आपके वोट से न केवल एमएलए बनने जा रहा है बल्कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और देश के आने वाले चार महीनों के चुनाव का फैसला होने जा रहा है। आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इस वोट को आप छोटा नहीं समझे, लेकिन आपने जिस ढंग से आपका उत्साह दिखाया, मैं आपको कहना चाहूंगा, 4 घंटे पहले अपनी विधानसभा के सेंटर शिव में केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की जनसभा थी और 10,000 लोगों ने भारी उत्साह के साथ में ये तय कर लिया विधानसभा के सेंटर में कि हम अमीन खान को परास्त करके छोड़े। तो निश्चित तौर पर हमारा जो उत्साह तय कर रहा है कि देश में भ्रष्ट लोगों को राज करने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस का राज एक ही परिवार से निकलता है, पिछले 50 वर्षों से राजगद्दी जैसे राज परिवारों में होता था, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद में उसका बेटा, जवाहरलाल नेहरू का पोती बेटे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी, राजीव गांधी की बहू सोनिया गांधी, सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी, अब राहुल गांधी की तो शादी हुई नहीं है, तो अब इसके बाद में आगे फुल स्टॉप जैसा ही लग रहा है। तो फिर जब लोकतंत्र है, वोट की पेटी से राज बनता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक गरीब माँ का बेटा जिसकी माँ गांव की बर्तन धोती थी, आज वो देश की सर्वोच्च गद्दी पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, उसको चिंता हो देश के गरीब की गुरबे की। तो हमारा वोट न केवल कुमार सिंह को विधायक बना रहा है बल्कि हमारा वोट देश का भविष्य भी निर्धारित कर रहा है, इसलिए अपने वोट को गंभीरता से लें और हमारे को जो प्रत्याशी मिला है उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि राजनीति सेवा का क्षेत्र है, राजनीति कोई धंधा या बिजनेस नहीं है, सेवा कौन कर सकता है? कम से कम उम्र दराज नहीं हो, जिसका स्वास्थ्य ठीक हो, जिसकी सोच ठीक हो, राजस्थान की विधानसभा की गद्दी पर बैठने का हक उसी को है जो 36 कौम को दिल में लेकर के चले और विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों की जोरदार ताकत के साथ गरीब गुरबा की पैरोकारी करे। आप फैसला कर लो इन दोनों में ऐसा करने में कौन सक्षम है, इसलिए इस वोट को केवल पार्टीबाजी का, केवल क्षेत्र का, केवल जाति का प्रश्न मत बनाइए, ये वोट देश और स्टेट में भलाई का प्रश्न है, इसलिए अपने इस वोट को हम जिस जगह पर बैठे हैं बाबा गरीबनाथ जी के जयकारे का संकल्प लेकर के और राजस्थान की विधानसभा में आपके इस वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा हम संकल्प लेकर के उठे। आपने मुझे इतने आदर और प्रेम के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा गरीबनाथ जी को कोटि कोटि नमन करता हुआ हमारे बीच विराजमान बाप जी धोरणनाथ जी, आदरणीय कान सिंह जी राजगुरु, गिरधर सिंह जी कोटड़ा, परमानंद जी मारे, देवी सिंह जी बड़ाई, पुरुषोत्तम जी खत्री, राजेंद्र सिंह जी भियाण, देवीलाल जी प्रजापत, कमल सिंह जी सरपंच आदि सिंह का गांव भक्ति और यहाँ विराजमान मेरे पिता तरी बुजुर्ग युवा साथिया और दूर ग्रह में विराजमान मेरी माताएं जाने मेरी आवाज पहुंच रही है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने समस्त बात रखी, मैं तो आपके सामने इतना विनती करने खड़ा हुआ हूँ, आपके सामने हाथाजड़ी करने खड़ा हुआ हूँ। आने वाली 7 तारीख को वोट है, उस दिन
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इस बात की मैं आपसे अपील करता हूं, इस बात की मैं आपसे आदाजड़ी करता हूं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे अपील करना चाहता हूं, ये बाबा गरीबदास जी के प्रांगण में खड़े हैं, बाबा के पवित्र प्रांगण में खड़े हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं 37 गांव को साथ लेकर के चलूंगा, किसी तरह का भाई भतीजावाद नहीं करूंगा, भाई भतीजावाद नहीं करूंगा, जातिवाद नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, ये सब चीजें से ऊपर उठ करके 37 गांव को गले लगा करके चलूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। मेरे मित्रों, जो मेरे ये हरदेव सम्राट युवा दोस्त खड़े हैं, इनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरे मित्रों, 5 साल ही मैं आपको हरदेव में बैठा के चलूंगा, कंधे पे बैठा के चलूंगा, आपको कहीं भी आपका मान नहीं होने दूंगा, मान सम्मान बनाए रखूंगा, ऐसे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। शिवपी अभी पुरुषोत्तम जी बता रहे थे शिव के विकास के बारे में, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि शिव, अरे मेरे मित्रों, शिव का अगर हमें मौका मिल जाएगा तो शिव की तो कायक फल कर देंगे, कायक फल तो ये होटल बनेगा, होटल कस्बा, हकीकत कह रहा हूँ, मेरे मन के अंदर तड़पन है, मेरे मन के अंदर इस बात की लगन है कि शिव कस्बा है, इसकी काया कल्प हो जाए, क्या क्या काम बाकी, पानी निकासी का ले लो, बाईपास का ले लो, रोड लाइटा का ले लो, गलिया के अंदर लाइटा का ले लो, करके छोड़ेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, ऐसा मैं हकीकत आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर बाबा गरीबदास जी ने अपने को मौका दिया तो देखने वाला देखने के लिए आएंगे, लोग शिव को देखने चलो, शिव को देखने चलो, ऐसे बाहर से लोग देखने के लिए आएंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मान सिंह जिंदाबाद, मान सिंह जिंदाबाद, मान सिंह जिंदाबाद। जो ये बुजुर्ग मेहरबान है, इनका आशीर्वाद लेकर के युवाओं के जोश और जज्बे के साथ में आगे बढ़ूंगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, केंद्र की सरकार की बहुत सारी योजनाएं और बेहतरीन योजनाएं आम गरीब तक पहुंची है, और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, ये सब आजकल पटेल की जनता को सारा पता है, इसकी और मेरे को कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या करना है, आपका साथ आज भी रहेगा, आगे भी आपका साथ देता रहूंगा, आपके साथ के बिगर काम अधूरा रहेगा, हर वक्त हर मोड़ के ऊपर आपके साथ की जरूरत पड़ेगी, आपका साथ होगा तो एरिया के अंदर काम की और विकास के बारे में किसी तरह की कोई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। 7 तारीख तक आप मेहनत कीजिए, 7 तारीख के बाद 5 साल तक मैं जो है मैंने भाव जोड़ूंगा, आधी रात को याद करके तो आधी रात को मैं नंगे पांव आपके साथ चलूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ मित्रों, आप जो है इस 7 तारीख तक मेहनत कीजिए, 7 तारीख के बाद में मैं आपका सेवक बनकर काम करूंगा, मैं आपका हाली बनकर काम करूंगा, कोई अधिकारी नहीं बनूंगा, मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, आप सबका साथ लेकर के विकास में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मैं आपको पुनः अपील करता हूँ। आप काफी देर से इस रैली को सफल बनाया, काफी देर से इंतजार कर रहे हो, बैठे हो, इसके लिए मैं मेरे हृदय की पगड़ियां बिछाकर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जय हिंद जय भारत। एक मिनट, जो अपने गांव से जो बाहर है, जोधपुर है, गुजरात है, कहीं भी है, वो जहां भी वोट हो उनको फोन करे, क्यों 6 तारीख को शाम को यदि गुजरात में 6 को बैठ जाए तो 7 तारीख को उनका वोट हो जाएगा, कहीं दूर तो उनको कल ही कहेगा कि वो कल शाम को बैठेंगे तो परसों पहुंच जाएंगे। मैं एक आपको बात बता दूं, कल्याण सिंह जी 2016 में अपन जयपुर थे, प्रदेश कार्यालय में जा रहे थे तो एक एमएलए को रोका,